दिल्ली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि कुछ लोगों ने ओवैसी के अशोका रोड स्थित आवास पर पथराव किया है। इस मामले में ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनके घर पर पथराव किया गया। फिलहाल अब जांच पड़ताल की जा रही है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने और अब शहबाज शरीफ की विदाई की साजिशें शुरू हो चुकी है। इस बार विरोधी पार्टी का कोई नेता नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं, इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी भतीजी। तो गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग का ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। ये तो बेगारत है, ये हुकूमत वाले। तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब ये हमारा ये सफाया हो जाए। रोटी का टुकड़ा और रोजगार के लिए तड़पते देश को सियासतदान तख्ता पलट का तोहफा बांट रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। सही पकड़े, पाकिस्तान को अपने बूटों तले रौंदने वाली आर्मी नहीं, विरोध के अलंबरदार बने इमरान खान नियाजी भी नहीं, लंदन से भाई को चरण पादुका पहना पीएम बनने वाले नवाज शरीफ भी नहीं। पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट होगा और वो करेंगी शहबाज शरीफ की भतीजी। नाम है मरियम नवाज। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक, ये मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था की लंका लगी हुई है, आतंकवाद से पूरा देश जल उठा है, भर पेट खाने के लाले पड़ गए हैं, हालात बदलने की कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। और मरियम नवाज कहती हैं कि जनता के ऊपर टैक्स का जो बम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिराया है उससे वो इत्तफाक नहीं रखती। ये उनका फैसला नहीं है, विपक्ष पूछ रहा है फिर किसका है, सरकार किसकी है? आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है। अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए, वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया है। शेख रशीद का ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इमरान खान नियाजी की हुकूमत गिराने में अव्वल दर्जे की भूमिका निभा चुकी हैं।